हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरत से चलने और दिखने वाले इन जेल पेंस में पीछे ये लिक्विड क्यों भरा होता है? अगर स्पेस और था तो इंक ही आ सकती थी, इस लिक्विड की क्या ज़रूरत? आइए जानते हैं। दरअसल जेल पेन की इंक में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पिगमेंट, ये होता है इंक को डिजायर्ड कलर देने के लिए, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू। सेकेंड इज जेल, जेल बनता है वाटर और बायोपॉलीमर्स से मिलकर। इसका काम होता है पिगमेंट्स को मीडियम प्रोवाइड करवाना ताकि इंक इजीली रिफिल से टिप तक फ्लो कर सके। नेचुरली इस जेल की प्रेजेंस की वजह से ही इन्हें जेल पेन भी कहा जाता है। और थर्ड होते हैं थिकनर्स, इन सब्सटेंस का काम होता है विस्कोसिटी प्रोवाइड करवाना। ये जेल को रिफिल में होल्ड करके रखते हैं और इंक को कांस्टेंट फ्लो से बचाते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो जेल है ये वाटर बेस्ड है। अगर इस जेल को यूं ही रख दिया जाए तो ये इवेपोरेट हो सकता है, मतलब लिखने से पहले ही आपकी इंक गायब हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो तो इसलिए इन रिफिल के लास्ट में ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड इंसर्ट कर दिया जाता है। ये लिक्विड हाई विस्कोसिटी का एक पेस्ट होता है जो सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनता है। सिलिकॉन इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वो वाटर रेजिस्टेंट होता है और जेल के साथ मिक्स नहीं होता। तो ये लिक्विड स्टॉपर फ्लूड की तरह काम करता है जो इंक को ना इवेपोरेट होने देता और ना बैक से लीक। सो दैट्स द सीक्रेट।